नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपने जिंदगी में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना किया और उन्होंने संघर्ष का सामना किया और अंतिम में जाकर एक यूट्यूबर के रूप में उम्रदराज यूट्यूबर के रूप में पूरी दुनिया में जो है अपना अलग ही पहचान उन्होंने बनाई। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ मस्तारम्मा की, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। और अफसोस की बात यह है कि दोस्तों अभी 5 दिसंबर 2018 को अभी जो सोमवार निकला है उसमें जो है उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों जो है दुख की बहुत दुख की बात यह है कि उसके जो फैंस हैं वो काफ़ी निराश हुए इस जो है सूचना को सुनकर। दोस्तों मैं बता देता हूँ मस्तानम्मा के बारे में। तो मस्तानम्मा एक यूट्यूबर है, जो कि यूट्यूबर यानी कि जो है यूट्यूब वीडियोस बनाती थी अपने जो है खाने को लेकर, उनका जो है खाने के स्टाइल और खाने का जो स्वाद है उनको लेकर जो डिश अच्छा अच्छा बनाते थे, उनको जो है लेकर काफ़ी फेमस थी जो है मस्तानम्मा, और उन्हीं के नाम से उन्हें जाना जाता था। उन्हें जो है ग्रैंड मास सेफ के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों अगर मस्तानम्मा की बात करें तो वो सिर्फ भारत में नहीं और अलग अलग देशों में, जैसे मलेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और बहुत सारे जो है देश जैसे यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इनमें भी जो है इन देशों में भी ये जो है मस्तानम्मा के फैंस हैं। तो दोस्तों मस्तानम्मा की बात करते हैं शुरू से, उनके जन्म से लेकर। तो उनका जन्म जो है मतलब आंध्र प्रदेश में ही हुआ और उनको जो है वो जब छोटी बच्ची थी तो उनको दूसरे मतलब एक परिवार ने गोद लिया था, उनकी घर बेटी नहीं थी इसलिए जो है मस्तानम्मा को गोद लिया था। लेकिन उनको जो है जो गोद लिए थे उनका घर पसंद नहीं आया इसलिए वो अपने गाँव जो है फिर चली गई थी और जो है गांव चली गई। और उसके बाद 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और इतना संघर्ष पूर्ण रहा उनका जीवन कि देखो 11 साल के उम्र में उनकी शादी हो गई और 22 साल की उम्र में उनके पति का देहांत हो गया और उनका जो है पांच बच्चा। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जो है, बहुत कष्ट किया अपने जो है बच्चे को जो है आगे बढ़ाने पालने पोसने में। तो दोस्तों जो है पांच बच्चा था उनका, तो चार बच्चे हैजा के कारण महामारी का कारण जो है चार बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा उसका भी जो है किसी कारण उसकी दृष्टि भी चली गई, यानी कि वो भी जो है उनकी जो है देखने की क्षमता भी चली गई थी। तो बहुत ही जो है कष्टपूर्वक जो है मस्तानम्मा की जो ज़िंदगी बीती है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मतलब अपने बेटे को जो है पालने में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। उन्होंने खेती किसानी का काम भी जो है किया है अपनी ज़िंदगी में और आगे जाकर बहुत ही मतलब 2016 से उनका यूट्यूब चैनल इस टाइप का स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं बता देता हूँ उनका यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों उनका जो है एक पोता था जो काफ़ी दूर से था, करीबी नहीं है, एक के लक्ष्मण नाम का जो है पोता है। तो उनका वो जो हैदराबाद में रहता है और वो यूट्यूब कंट्री नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता था और वो जो है ऐसे वीडियोस को लाना चाहता था अपने जो चैनल में है, जो कि जो है बेचलर बनाने वाले हों, जैसे कि जो सिंगल बनाते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता लेकिन वो बहुत लजीज जो है खाना बनाते हों, ऐसे जो है शेफ को वो जो है अपने चैनल में दिखाना चाहता है। लेकिन उन्होंने 40-50 वीडियो डाले फिर भी उनका चैनल जो है ग्रो नहीं कर पाया। तो अपनी माँ के पास जाता है वो जो है के लक्ष्मण और उनका दोस्त जो है, दोनों मिलकर बना रहे थे चैनल और फिर अपने माँ के पास जाता है लक्ष्मण। तो फिर उसकी माँ जो है सजेस्ट करती है कि तुम मस्तानम्मा के पास क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो जो है गांव के मतलब अपने गांव में जो है बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है टेस्टी खाना बनाती है, उनका वीडियो क्यों नहीं लेते, उनका वीडियो रिकॉर्ड करके एक बार कम से कम यूट्यूब में डाल के देखो आप तुमको क्या रिजल्ट मिलता है, फिर बताना, ऐसे जो है सजेस्ट करती है लक्ष्मण की माँ। तो वो जाते हैं मस्तानम्मा के पास, मस्तानम्मा जो है खाना बनाते, तो सब खाना बनाती है
उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके जो है वीडियो बनाकर जो है लक्ष्मण यूट्यूब में डाल देता है, लक्ष्मण और उनके उनका दोस्त जो है यूट्यूब में डाल देता है। तो सबसे पहले उन्होंने बैगन का जो है बैगन का शायद भरता बनाया था, बैगन का भरता जो है पहला वीडियो में उन्होंने बनाया था, जो कि काफ़ी फेमस था, काफ़ी फेमस हुआ और कई लोगों ने जो है उनका जो है डिश और रेसिपी जो है कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें उनके जो है वीडियो से सीखा और बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो इसी मतलब इस वीडियो में लगभग 75,000 के लगभग जो है व्यू है। इसी नाम से जो है लक्ष्मण को आइडिया है कि मतलब अब कंटिन्यू दादी माँ का जो वीडियो है मैं डालता हूँ अपने चैनल में, तो काफ़ी जो है फेमस मतलब कहना चाहिए कि पहचान बनेगी और दादी अम्मा को भी एक अच्छी पहचान मिलेगी, उनके टैलेंट का भी एक कद्र किया जाएगा, ऐसा टाइप का जो है उन्होंने सोचा और कंटिन्यू जो है वीडियो डालते गए और उनके हर वीडियो में मिलियंस व्यू जो है आते रहे और लोगों ने अच्छा खासा जो है पसंद किया जो है मस्तानम्मा को, और उन्होंने एक अलग ही पहचान जो है ग्रैंडमा सेफ के नाम से अपनी पहचान बना ली। और इन्हें कुकिंग मस्तानम्मा के कुछ डिश काफ़ी फेमस है, जैसे कि वाटरमेलन चिकन हो गया, चिकन बर्गर हो गया, केएफसी चिकन हो गया, जो मतलब आंध्र प्रदेश स्टाइल में बनाते थे, और उनका बिरयानी काफ़ी फेमस था जो कि आंध्र प्रदेश के दम बिरयानी से काफ़ी अलग था। इन जो है डिशेज़ के कारण जो है जो मस्तानम्मा काफ़ी फेमस थे, उन्हें ग्रैंड माँ सेफ के नाम से भी जाना जाता है। यूट्यूब में उनका फैंस फॉलोअर यही नहीं, भारत में नहीं, काफ़ी अलग अलग देशों में है। तो इस प्रकार की उनकी ज़िंदगी थी, काफ़ी जो है संघर्षपूर्ण थी। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें सीखने को मिला जो है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं वीडियो में, आप अच्छे से देखिए और फिर आगे शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आप नए आए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल में आते रहते हैं ऐसे नॉलेजेबल। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।